चैंपियन ऑलराउंडर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 35 बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखिए बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के पहले कुछ छोटी सी डिफिनेशन है और छोटी सी कन्फ्यूजन है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए अभी इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्ट, ठीक है, अमाउंट, प्रिंसिपल, ईयर लिख लेते हैं पहले हम। प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट, टाइम, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट एंड टाइम, ठीक है, ये चार टॉपिक आपके लिखे हैं। इसी चारों टॉपिक पे आपके सारे क्वेश्चन हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं, कुछ भी अलग नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रिंसिपल मीन्स क्या होगा, देखिए अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, सपोज बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, तो जो बैंक हमसे हम लोन ले रहे हैं वो हमारा प्रिंसिपल हुआ। सपोज हमने लिया 500 रुपीज़ हमने लिया, ठीक है, तो जो हमने बैलेंस लिया है वो हमारा प्रिंसिपल हुआ। ठीक, तो आपको जो बैंक लोन देगी तो कुछ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देगी, ठीक है, कि आप 12% उसको देंगे या 13% देंगे आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर कुछ आपका और उसका बॉन्ड रहेगा कि आपको 1 साल के बाद 10% उसका देना है या 15% देना है या 20% देना है, जो भी समथिंग है, तो वो हमारा किस में आएगा, रेट में आएगा। रेट सपोज अगर आपको बैंक 20% के अकॉर्डिंग दे रही है, 500 रुपीज़ आपको दिया गया है, तो वो 20% के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और उसके बाद आता है कि वो जो परसेंट दे रहे हैं वो कितने दिन के लिए है, मीन्स टाइम के लिए। तो सपोज दैट कि वो 1 ईयर के लिए है कि आप जब इसको रिटर्न करोगे तो 20% इसमें ऐड करके तब आप दोगे, तो वो हमारा क्या हो गया ईयर, सपोज करिए ये 1 ईयर हो गया, टाइम जो है हमारा 1 ईयर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे 20%, तो 20% जो आएगा सॉल्व करने में, 500 का 20% है, हम 10% भी ले सकते हैं। ठीक है, 10, 20, 30, वो बैंक के कंडीशन पे अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप 10% इसका निकालेंगे तो 50 रुपीज़ आएगा, तो इंटरेस्ट हमारा 50 रुपीज़ हुआ। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर आप जो अमाउंट बैंक को रिटर्न दोगे, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद दोगे। ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 500 प्लस 50 रुपीज़। तो ये हमारा क्या हुआ, अमाउंट हुआ। अमाउंट मीन्स जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़कर अमाउंट बनता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लिख के चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी ईयरली इंटरेस्ट ऑन 6,000 रुपीज़ एट 10% पर एनम। ठीक है, तो एक ईयर का जो परसेंट दिया है वो 10,000 रुपीज़ दिया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि ईयरली कितना होगा, तो आपको ईयरली निकालना है। अभी मैंने जस्ट बताया है कि इसमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, जिसका प्रिंसिपल है P=6,000 रुपीज़। ठीक है, और जो रेट है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो रेट है 10% है। ठीक है, पर एनम। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पूछ रहा है आपसे कि जो ईयरली इसका अमाउंट रहेगा, इंटरेस्ट कितना देना रहेगा हमको, केवल इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, अगर अमाउंट पूछ रहा है तो आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करना पड़ता है, पर यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे कि इसका 10% बताइए, जो 10% रहेगा वो आपका रेट है, उतने परसेंट के अकॉर्डिंग वो बैंक को प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसीलिए बैंक हमें इंटरेस्ट देगी, वैसा इंटरेस्ट नहीं देगी, विदाउट इंटरेस्ट हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, सब इंटरेस्ट से ही करते हैं, तो बैंक भी वही रूल फॉलो करती है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें क्या निकालना रहेगा, 10% ऑफ प्रिंसिपल, 10% परसेंट को हटाएंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा, इंटू इस पर कितना हमारे 6,000 रुपीज़ हैं। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 600 रुपीज़। ठीक है, तो मीन्स ईयरली इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा, 600 रुपीज़ का होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर आप लेना चाहें तो इसकी छोड़ लीजिए, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में महेश नाम से एक पर्सन है जिसने डिपॉजिट किया बैंक में 8,650 रुपीज़। ठीक है, 6
परसेंट के अकॉर्डिंग, पर एनम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी आपसे कह रहा है कि उसको एंड ऑफ द ईयर में कितना मिलेगा, ठीक। तो जिस तरह हम बैंक से लोन लेते हैं उसी तरह बैंक में डिपॉजिट भी करते हैं, जैसे हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या किया, लोन ले लिया, ठीक है। और अब हमारे पास अमाउंट अलग से सेविंग में रखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उसको किसी सेफ जगह रखें। तो ज़्यादातर मोस्टली लोग क्या करते हैं, कई जगह इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर बैंक में आप सेफ रख देते हैं। तो यहाँ पर आपकी बैंक की बात हो रही है, डिपॉजिट किया गया है पैसा, ठीक है। तो जो अमाउंट है वो है 6,050 रुपीज़, ठीक। और किसके कितने परसेंट के अकॉर्डिंग, 6% के अकॉर्डिंग। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि एंड ऑफ द ईयर उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर जो दिया है वो हमने फिर 8,650 रुपीज़, एंड रेट कितना है, जो रेट है वो है 6%। तो यहाँ पर निकालेंगे 6% ऑफ 8,650 रुपीज़, इसका आप 6% निकालेंगे, 6/100 × 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 10 अब जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के बाद, तो आंसर आएगा 519 रुपीज़, ठीक है। 519 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब आपको अमाउंट पूछ रहा है आपसे, तो अमाउंट के लिए आप क्या करेंगे, अभी मैंने इसके पहले बताया था आपको, इसके लिए आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल हमारा ये दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमने भी निकाला है, यहाँ पर फॉर्मूला चाहिए लिख सकते हैं, P+I, देन आफ्टर P की वैल्यू है और इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो रिटर्न बैलेंस है वो उसको मिलेगा, ठीक। आशा करता हूँ बताया गया क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अगर आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट लेके चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक अहमद करके एक पर्सन है, अहमद नाम से एक पर्सन है, जिसने बैंक से 25,000 रुपीज़ उसने इंटरेस्ट पे बैलेंस लिया, प्रिंसिपल दिया, ठीक है। और जो इंटरेस्ट का रेट है वो है 12%। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि उसको जो एंड ऑफ ईयर में कितना देना होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल है हमारा 25,000 रुपीज़ और रेट कितना है, रेट है 12%। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 12% निकालना है, तो 12% ऑफ और 25,000 रुपीज़ का, यहाँ हो जाएगा 12/25,000, लिखेंगे यहाँ पे 100, 00 से 00 आप कैंसिल कर देंगे सीधा सीधा। अब 25, 250 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर आपका 3,000 रुपीज़, ठीक है। 3,000 रुपीज़ क्या आपको मिला है, इंटरेस्ट मिला, बट इंटरेस्ट आपका आंसर नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर वन ईयर उन्हें कितना रुपए रिटर्न देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मीन्स अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P+I, मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है, कितना है आपका 25,000 दिया हुआ है, प्लस इंटरेस्ट कितना है 3,000 रुपीज़, दोनों को ऐड करेंगे 28,000 रुपीज़, ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ बताया गया क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अगर आप देना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम वर्क करना है आपको, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करते आए हैं, सेम वर्क आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी करना है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ बताए गए क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके लिए नई वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।